साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार मामला सुर्खियों में बना हुआ है और जब आर्यन खान की एक शख्स के साथ सेल्फी वायरल हुई फिर तो बवाल मच गया। और यही नहीं, जिन लोगों के साथ आर्यन और अरबाज मर्चेंट कोर्ट जाते हुए दिखे उसके बाद भी खासे सवाल उठे, जिसके बाद इस पूरे मामले में सियासत की भी एंट्री हो गई। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता और प्राइवेट जासूस का ट्विस्ट इसमें घुसेड़ दिया, जिसके बाद हर कोई हैरान था कि आखिर मुंबई में और एनसीबी में ये हो क्या रहा है। तो अब इस बीच नया ट्विस्ट ये आ गया है कि इस केस के गवाह ने खुद की जान को खतरा बता दिया है। तो हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है इस नए ट्विस्ट का पूरा सच। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इसे एनसीबी की सटीक और बड़ी कार्रवाई बता रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि एनसीबी पूरे बॉलीवुड से गंदगी को साफ करके ही दम लेगी। समीर वानखेड़े की जबरदस्त तारीफें हो रही हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ने काम ही कुछ ऐसा किया है जहां तक अब तक पहुंचना तक मुमकिन नहीं था। वहीं एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पहुंचे हैं और हाथ डालकर ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके बारे में सोचना भी तरह से बहुत दूर की बात थी। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आरोप ये भी लगने लगे और यहां तक कहा जाने लगा कि ये पूरी साजिश है शाहरुख खान के खिलाफ, आर्यन खान के खिलाफ। अब क्या क्या हुआ इस केस में, किसने क्या कहा, कैसे आया नया ट्विस्ट और बीजेपी नेता प्राइवेट जासूस का मामला, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल तब उठा जब एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा दिया और इसे लेकर बड़े खुलासे करने का दावा किया। नवाब मलिक ने कहा कि जो शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है और आर्यन को अपने साथ ले जाते हुए दिख रहा है वो एनसीबी का अधिकारी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट जासूस है और उसका नाम किरण गोसावी है। यही नहीं, नवाब मलिक ने ये भी खुलासा करते हुए सवाल उठाया कि एनसीबी के ऑफिस में इतने गंभीर मामले में कैसे किसी प्राइवेट जासूस को आने दिया गया, कैसे इतने बड़े केस में प्राइवेट जासूस को शामिल किया गया। आगे देखिए, नवाब मलिक ने दूसरा आरोप लगाया कि अरबाज मर्चेंट को जिस शख्स ने पकड़ा था उसका नाम मनीष भानुशाली है। यही नहीं, मलिक का इससे भी गंभीर और बड़ा आरोप यह है कि भानुशाली बीजेपी का नेता है, बीजेपी उपाध्यक्ष है और पूरे ऑपरेशन के दौरान एनसीबी के साथ ही मौजूद था। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आरोप है कि एक बीजेपी नेता एनसीबी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन में शामिल था और यही नहीं, इस ऑपरेशन से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पिछले एक महीने से मुंबई में क्राइम रिपोर्टर्स के बीच ये बात फैलाई जा रही थी कि अब अगला निशाना शाहरुख खान है और शाहरुख खान टारगेट पर है और नवाब मलिक ने इस पूरे मामले में, इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी को वजह बता दिया। अब नवाब मलिक के आरोपों के बाद भूचाल आ गया क्योंकि पहले कुछ लोग दबी जुबान से कह रहे थे लेकिन नवाब मलिक के आने के बाद खुलकर कुछ लोग कहने लगे, एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाने लगे। एनसीबी को भी तुरंत ही सफाई जारी करनी पड़ी। एनसीबी ने अपनी सफाई में कहा कि दोनों ही शख्स एनसीबी के लिए काम नहीं करते हैं लेकिन ये एनसीबी के पंच हैं, गवाह हैं। अब पंच क्या होते हैं पहले वो भी समझ लीजिए। तो किसी भी केस में पंचनामा फाइल किया जाता है और उस पंचनामे में जो प्राइवेट गवाह होते हैं उन्हें पंच बोला जाता है और किसी भी जांच टीम को, पुलिस को, एनसीबी को या फिर सीबीआई को भी अपने साथ प्राइवेट गवाह लेकर जाने की इजाजत होती है, पंच लेकर जाने की इजाजत होती है। एनसीबी ने हालांकि ये साफ नहीं किया कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को इन दोनों को लेकर जाने के लिए इजाजत किसने दी थी। एनसीबी ये भी नहीं बता पाए कि आखिर पब्लिकली कैसे ये लोग इन दोनों आरोपियों को पकड़े हुए थे जिन्हें कि एनसीबी के अधिकारियों के साथ होना चाहिए था। अब आगे देखिए, एनसीबी की तरफ से सफाई आई तो वहीं एनसीबी के लिए गवाह बने मनीष भानुशाली ने भी जबरदस्त पलटवार किया और साफ साफ कह दिया कि वो नवाब मलिक पर मानहानि का केस करेंगे क्योंकि नवाब मलिक ने उन्हें गलत तरीके से पेश किया।
मनीष ने कहा कि उन्हें 1 अक्टूबर को अपने एक दोस्त के जरिए कॉर्डिला क्रूज में रक पार्टी की खबर मिली थी और मैंने इसे एनसीबी के साथ शेयर किया और एनसीबी मुझे लेकर गई ताकि उसकी तस्दीक हो सके। मैंने सिर्फ कानून की मदद की, देश की मदद की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और यही नहीं, मनीष भानुशाली जो कि इस केस में गवाह बताया जा रहा है, उसने कहा है कि अब उसकी जान को खतरा है। मनीष ने कहा कि मैंने एक आम आदमी की तरह मदद की, लेकिन अब नवाब मलिक ने मामले को अलग रूप दे दिया है और अब मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाया जाए। अब तो मामले में ट्विस्ट आ गया था क्योंकि एक गवाह मनीष भानुशाली ने खुद ही खुद की जान को खतरा बता दिया। हालांकि दूसरे गवाह किरण गोसावी का वर्जन अभी तक नहीं आया है, लेकिन किरण गोसावी को सेल्फी का खासा शौक रहा है और उसका यही शौक एनसीबी पर भी भारी पड़ रहा है क्योंकि किरण गोसावी ने शाहरुख के बेटे आर्यन के साथ कस्टडी में सेल्फी ली थी और उसके बाद से ही एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामले में एक और ट्विस्ट ये भी आ गया है और कहा यह भी जा रहा है कि आर्यन खान को एनसीबी ने रेड के दौरान पकड़ा, मगर अब आरोप ये भी लग रहा है कि प्राइवेट जासूस को आर्यन खान के पीछे लगाया गया था, उसे फॉलो करवाया गया था और जाल में फंसाकर आर्यन को दबोचा गया। अब हालांकि ये भी सच है कि आर्यन खान कबूल कर चुका है कि वो रग लेता था, 4 साल से रग ले रहा था और वहां क्रूज पर भी रग पार्टी होने वाली थी, लिहाजा पूरे मामले में बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार बने हुए। अब इस सब कुछ आर्यन पर होने वाली दूसरी सुनवाई से ठीक पहले हुआ है। जी हाँ, इसका सुनवाई पर भी सीधा असर पड़ सकता है और हो ये भी सकता है कि एनसीबी को एक बार फिर से आर्यन खान के रिमांड मिल जाए क्योंकि गवाह ने मनीष भानुशाली ने खुद की जान को खतरा बताया है, तो आर्यन खान की भी जान को बाहर खतरा हो सकता है। रग माफिया आर्यन खान पर हमले कर सकता है और इसीलिए आर्यन खान को यहां पर एक बार फिर से एनसीबी की रिमांड में भेजा जा सकता है, एनसीबी को एक बार फिर से सवाल जवाब करने का मौका मिल सकता है। और हां, अगर रिमांड नहीं बढ़ी तो भी आर्यन खान को बेल मिलना फिलहाल मुश्किल है, आर्यन खान को सीधे जेल भेजा जा सकता है, ऑर्थर रोड जेल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है जो कि बड़ा फैसला इस केस में हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर आर्यन खान को जमानत मिलने में मुश्किल आ सकती है और ये केस लंबा खिंच सकता है क्योंकि दोनों तरफ से ही आरोपों का दौर चल रहा है, कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स इस केस में आ गए हैं। एनसीबी खुद उस सेल्फी के बाद से थोड़ी सी बैकफुट में दिख रही है, तो वहीं पर एनसीबी को भी अब साफ करना होगा कि आखिर इन पंचों का वहां क्या काम था, इन पंचों को क्यों लेकर जाया गया। और इस पूरे मामले में एनसीबी को अब कोर्ट के सामने अपना सब कुछ पूरी तरह से केस को डिटेल तरीके से रखना है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में आर्यन खान को फंसाया गया या फिर आर्यन खान को पकड़ कर रग के धंधे पर एनसीबी ने सबसे बड़ी चोट की है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।